बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम काउंटडाउन पेज नंबर 15 करेंगे। देखें, राइट द नंबर्स दैट कम्स बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। बिफोर मीन होता है पहले, यानी कि ये नंबर जो हमें दिया गया है, हमने इससे पहला नंबर यानी कि पिछला नंबर जो है वो राइट करना है। यहाँ पे हमारे पास है 3275। तो स्टूडेंट्स, इसका पिछला नंबर बिफोर नंबर क्या होगा? 3274। नेक्स्ट देखें, 1093, इसका पिछला नंबर होगा 1092। नेक्स्ट देखें, मैंने राइट किए हुए नंबर्स, इसी तरह से आपने ये राइट करने हैं। अब आगे है आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, यानी कि इसके बाद अगला नंबर जो है एक प्लस करके हम यहाँ पे वो लिखेंगे। हमारे पास नंबर है 2849, तो इसका नेक्स्ट नंबर होगा 2850। नेक्स्ट है 8642, इसका आफ्टर नंबर क्या आएगा? 8643। ये मैंने नेक्स्ट आपके लिए राइट कर दिए हैं पहले से, इसी तरीके से बाकी जो है वो भी आप खुद राइट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है दरमियान में, यानी कि दो नंबर्स के दरमियान में जो नंबर आना है वो हमने यहाँ पर राइट करना है। हमारे पास नंबर है 9658 एंड 9660, तो इन दोनों के दरमियान में जो नंबर आना है वो हम यहाँ राइट करेंगे 9659। अगला नंबर देखें 1009, और आगे है 1011, तो इनके बिटवीन नंबर जो है वो आएगा 1010, यानी कि 9 में 1 प्लस किया तो 10 आ गया। ठीक है, ये आगे मैंने आप लोगों के लिए राइट कर रखे हैं, बाकी भी आप ऐसे। नेक्स्ट पेज नंबर 16 ओपन करें, उसका टॉपिक है राइट द प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर, प्री मीन होता है बिफोर, यानी कि जो नंबर हमें दिया गया है इसके बिफोर नंबर जो आएगा वो हम यहाँ राइट करेंगे। हमारे पास नंबर है 1001, तो इसका पिछला नंबर क्या आ जाएगा? 1000। नेक्स्ट है हमारे पास 5870, तो इसका पिछला नंबर आ जाएगा 5869, यानी कि इसमें से एक कम करके हमें यहाँ पर राइट करना है, उस नंबर को कहते हैं प्रीडिसेसर। ये मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर राइट किए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, राइट द सक्सेसर। सक्सेसर मीन, सक्सीड मीन होता है फॉलो, यानी कि इसके आगे वाला नंबर जो है वो हम यहाँ पर राइट करेंगे। हमारे पास नंबर है 2099, जब हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2100। नेक्स्ट देखें 2129, तो नेक्स्ट होगा 2130। नेक्स्ट भी आप इसी प्रोसीजर को मद्देनज़र रखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे, जो मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व भी किए हुए हैं। नेक्स्ट आ जाए पेज नंबर 19 पे, प्लेस ग्रेटर देन और लेस देन इन ईच बॉक्स, विच डिजिट्स डू यू कंपेयर। स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता ही है, हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ये जो साइन है ये है ग्रेटर देन का, मतलब ये जिस साइड से ये इसका मुंह खुला होगा वो हम उसे कहेंगे ग्रेटर देन, और जिस साइड से ये बंद होगा इसको कहेंगे, ये है लेस देन। ठीक है, अब हमें ये नंबर्स दिए गए हैं, हमने इनके दरमियान हमने इनको देखते हुए लिखना है यहाँ पर कि ये ग्रेटर देन है ये लेस देन है। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं 3906, दूसरा नंबर है हमारे पास 3956। तो देखिए, हम कंपेयर करते हैं, ये है 1000, दोनों की प्लेस जो है 1000 वो 33 है। नेक्स्ट 100 पे आ जाते हैं, दोनों में 900 है। इसके बाद हम टेंस को कंपेयर करते हैं, यहाँ पर हमारे पास 0 टेंस है और यहाँ पर हमारे पास है 5 टेंस। तो इस तरह से कौन सी रकम स्टूडेंट्स बड़ी हुई? 3906, 3956। तो ये जो रकम है ये बड़ी है, हम इस यहाँ पर ये साइन लगाएंगे और हमने किस रकम को कंपेयर किया वो यहाँ पर राइट करेंगे, तो ये है आ जाएगा यहाँ पर टेंस। नेक्स्ट देखें 9004, ये है 8004। तो फर्स्ट पे हमारे पास है 1000, वन्स टेंस थाउजेंड,
वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड। थाउजेंड को जब हम कंपेयर करते हैं, यहाँ पर हमारे पास 9000 है, इधर है 8000, तो ये रकम जो है ये बड़ी है। यहाँ पर हम ये सिंबल लगाएंगे, 9004 इज़ ग्रेटर देन 8004, और हमने इधर लिखेंगे किस रकम को हमने कंपेयर किया, तो यहाँ पर राइट कर देंगे 1000। नेक्स्ट है 6549, 6549। 6000 दोनों में 1000 जो है वो 66 है, 100 जो है हमारे पास फर्स्ट नंबर में 2 है, 200 है, इधर है 5 नंबर, 500, तो ये रकम जो है ये बड़ी हुई। हम इसको यहाँ पर ये साइन राइट करेंगे, और हमने किस रकम को कंपेयर किया, 100 को, यहाँ पर हम लिख देंगे 100। नेक्स्ट देखें फिल इन द सिंबल्स, यही सिंबल्स हमने यहाँ पर राइट करने हैं, लेस देन और ग्रेटर देन। हमने नंबर्स को यहाँ पे लिख लेने हैं, ये है 3024, ये है 4024। तो स्टूडेंट्स कौन सी रकम बड़ी है, हम वहाँ पर वो सिंबल लगा देंगे, ये रकम बड़ी है, ये आ जाएगा ये सिंबल। इसी तरह से नेक्स्ट है 2569, 1659, तो ये सिंबल आ जाएगा। नेक्स्ट है 8074, 8002, तो ये रकम जो है ये बड़ी है, हम यहाँ पर ये सिंबल राइट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स आज हमने पेज नंबर 15 से 19 तक सॉल्व किया, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।